श्री गणेश, कैसे हैं आप सब? होप ऑल इज वेल। सर्व कुशल मंगल होंगे आपके पास और आपके साथ। प्रिडिक्शन है आज का साप्ताहिक नक्षत्र राशिफल 1 से 7 जुलाई। आने वाले सप्ताह में ग्रह मंडल में ग्रहों की क्या परिस्थिति है, कौन कौन से नक्षत्र में ग्रह कहां पर विराजमान है, कौन सी राशि में, और ये समग्र सृष्टि के ऊपर, हमारे पृथ्वी के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर, हमारे जनजीवन के ऊपर और खुद हमारे ऊपर क्या फल देने वाले हैं, जानते हैं आज के इस प्रेडिक्शन में। तो सबसे पहले इसकी चर्चा करनी है तो सबसे पहले तो सूर्य का ही बात करना पड़ेगा, ग्रह मंडल के जो राजा हैं। अब राजा बलवान होगा तो प्रजा सुखी होगी, राजा निर्बल होगा तो प्रजा दुखी होगी। अब राजा है अभी सूर्य मिथुन राशि में, पराक्रम स्थान के अंदर मेष राशि के लिए है। वैसे ग्रहों का जो ओरिजिनल परिस्थिति है, ये कौन कौन से ग्रह नक्षत्र में है ये आपको बता देते हैं कि सूर्य अभी मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में चल रहे हैं 5 जुलाई तक। 5 जुलाई को सूर्य राशि वही रहेगी लेकिन नक्षत्र चेंज करेंगे पुनर्वसु में। मंगल मेष राशि के अंदर है, भरणी नक्षत्र में है 7 जुलाई तक। बुध का ट्रांजिट 1 से 9 तारीख तक जो है ये पुनर्वसु नक्षत्र में है और कर्क राशि के अंदर बुध का ट्रांजिट कर्क पुनर्वसु में होगा। और गुरु वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में है, शुक्र भी पुनर्वसु नक्षत्र में है और राशि होगी कर्क, सॉरी मिथुन। तो शुक्र भी आई थिंक 7 तारीख को राशि परिवर्तन करते, 7 जुलाई कर लो, मतलब इस वीक के अंदर सूर्य शुक्र साथ में है और चंद्र का जो पाथ है वो मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक है। बिगिनिंग ऑफ द वीक मेष राशि से शुरुआत होती है और अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होती है। इस सप्ताह के अंदर चलने वाले नक्षत्र हैं अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु और नेक्स्ट संडे को 7 जुलाई को नक्षत्र होगा पुष्य। तो ये सप्ताह के अंदर चलने वाले नक्षत्र हैं। अब जो तिथियां हैं ये कहाँ से स्टार्ट होती है वो भी आपको बता देते हैं। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की जो तिथियां है, क्योंकि आषाढ़ महीना नेक्स्ट चालू होने वाला है और आषाढ़ी बीज जो बोलते हैं, ये आषाढ़ी बीज जो है जिसमें जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होती है, बहुत पावरफुल दिन माना जाता है श्री कृष्ण की उपासना के लिए, वो 7 जुलाई को है। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की दशमी से शुरुआत होगी, 1 तारीख को दशम है। 11 जो है ये 2 जुलाई को है, इसको योगिनी एकादशी बोलेंगे। और 3 तारीख को मारस है, 4 तारीख को 14 है कृष्ण पक्ष की, और 5 तारीख को अमावस्या है और 5 तारीख की रात को 11:40 को सूर्य आद्रा नक्षत्र छोड़कर पुनर्वसु नक्षत्र में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। 6 तारीख को आषाढ़ मास की एकम है और नेक्स्ट संडे को 7 जुलाई को
रविवार को इतवार बोलते हैं हिंदी में इसको, संडे इंग्लिश में संडे, गुजराती में हमारे रविवार बोलते हैं। और पुष्य नक्षत्र है 7 जुलाई, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, पूरी में इसका जबरदस्त पूजन अर्चन होता है भगवान जगन्नाथ जी का। हमारे अहमदाबाद के अंदर भी यहाँ पर रथ यात्रा निकलती है और बहुत भक्त उसका दर्शन का लाभ लेते हैं। तो बहुत पवित्र दिन है, 7 जुलाई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। जय जगन्नाथ, सबका कल्याण करे भगवान जगन्नाथ। हमको बहुत कुछ सिखाते भी हैं कि हमेशा प्रसन्न रहो। आपने कितने भी मतलब भगवान की मूर्तियाँ ये सब देखा होगा, फोटो मूर्तियाँ, लेकिन जगन्नाथ ऑलवेज लाफिंग, हंसती हुई प्रतिमा है इनकी। उनको देख के आपको मन, आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो श्री जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा जी, बलराम जी, हम सबके ऊपर कल्याण करें, ऐसी शुभकामना शुभ भावना के साथ स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। मेष राशि के लिए मंथ की शुरुआत जो है, वैसे हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या है कि चंद्र का बल नहीं है, चंद्र डाउन साइड जा रहे हैं। अब चंद्र डाउन साइड जा रहे हैं मतलब अमावस्या की ओर हम जा रहे हैं, और एकम और बीच के अंदर, बीच से चंद्र पे प्रभाव आना चालू होता है, एकम में भी चंद्र का इतना बल नहीं होता है। तो चंद्र का बल नहीं है तो मतलब इसमें क्या होगा कि जिसका भी सूर्य पावरफुल है, ये लोगों का अभी जो है वो काम बनने वाला है। सूर्य प्रभाव जिसका ज़्यादा है, इसका काम बनने वाला है, ये लोगों का काम चलने वाला है। और जो लोग चंद्र से प्रभाव वाले हैं, ऐसे जातकों का काम थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है और टेंशन वाला भी हो सकता है, डिप्रेशन वाला भी हो सकता है। तो मेष राशि से ही शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए बात करें तो मंगल आपकी राशि के अंदर है, जो आपके मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्टअप करने वाले हैं। सूर्य आपके पराक्रम भाव में है, साहस भुवन में है, बहुत अच्छी बात है। राहु 12वें स्थान में, खर्चे आपके बढ़ाने वाले हैं। गुरु परिवार के स्थान में है, आपके धन संपत्ति में थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट है आपका, उस हिसाब से आप उसको नहीं कैच कर पाते हैं, इसके कारण थोड़ा सा आपको इंटरनल दुख रहेगा मन के अंदर। लेकिन वो परिस्थिति है कि गुरु के लिए कहते हैं भावति भावदोष कारकम, जिस भाव में गुरु बैठते हैं उस भाव के फल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण पारिवारिक समस्या या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आएगा। चंद्र का मोशन आपकी राशि से निकलकर चतुर्थ भाव में आने वाले हैं, तो बिगिनिंग ऑफ वीक जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट होता है, लेकिन एंड ऑफ द वीक जब चंद्र सुख स्थान में होंगे, चौथे स्थान में होंगे, तो ये सुख का अनुभव नहीं करने देंगे आपको, क्योंकि जो यहाँ पर चंद्र बुध के साथ चलेंगे तो माइंड का वाइब्रेंसी बढ़ने की परिस्थिति बनती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टर्बिंग्स ऑफ प्रॉपर्टी मैटर, या तो बिजनेस कारोबार को लेकर कुछ ना कुछ स्ट्रेस तनाव, या तो माता पिता को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस और तनाव वाली परिस्थिति आप महसूस करेंगे। दो नंबर यानी कि वृष राशि, शक्तिशाली बुल जैसी पावरफुल राशि, टॉरस के लिए गुरु आपकी राशि के अंदर हैं, जो आपके नॉलेज में वृद्धि करने वाले हैं। वाणी के स्थान में सूर्य आर्द्र नक्षत्र में है, अब ये कुछ ठीक नहीं है, वाणी में संयम बरतना होगा, खास करके कुटुंब के अंदर, आँखों का भी आपको विशेष केयर करना होगा। चंद्र का मोशन 12वें स्थान से निकलकर पराक्रम भाव में जाने वाले हैं, कॉन्स्टेंटली अपर साइड जाने वाले चंद्र आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं। अब गोचर ट्रांजिट में आपके आपने देखा कि चंद्र
भले डाउन साइड जा रहा है, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बारहवीं राशि से पराक्रम में जाने वाले चंद्रा, कॉन्स्टेंटली अपर साइड जाने वाले चंद्रा, भले चंद्र में बल नहीं है, लेकिन फिर भी वृष राशि वाले जातकों के लिए ये कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि करने वाले हैं। मित्रों से भी लाभ करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो राहु हुए आपके लाभस सर में चल रहे हैं और शुक्र भी आपकी राशि के अंदर हैं, सक्सेस इन लव मैटर, सॉरी शुक्र धनस्थान के अंदर हैं तो वो भी है सक्सेस इन लव मैटर, तो बहुत अच्छी बात है कि होटल रेस्टोरेंट्स में जाना, खाना, घूमना, ये सब लग्जरियस एंजॉयमेंट रहेगा। तीन नंबर यानी कि मिथुन राशि के लिए सूर्य आपकी राशि के अंदर हैं, शुक्र आपकी राशि के अंदर हैं, तो रोमांटिसिज्म बढ़ने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके माइंड को बहुत उग्र कर देते हैं और मंगल भी आपके लाभस्थान में चल रहे हैं जिसकी दृष्टि पंचम भाव में है, जो कि बोलते हैं डिसअपॉइंटिंग इन लव मैटर, तो थोड़ा अप थोड़ा डाउन लव मैटर में ऐसा रहेगा। और चंद्र का ट्रांजिट आपके लाभ स्थान से निकल कर धन स्थान में आने वाले हैं, तो वीकेंड के अंदर आपको कुछ अच्छा बिजनेस और पैसा फाइनेंस इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। चार नंबर के लिए बोले तो सूर्य बारहवें स्थान में है, शुक्र बारहवें स्थान में है, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं, राहु व्यर्थ यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग आपको करवाने वाले हैं भाग्य स्थान के अंदर। बहुत अच्छी बात है कि बिगिनिंग ऑफ पिक चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग दसवें स्थान में बन रहा है और गुरु आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं, जिसके चलते हुए पढ़ाई में सक्सेस है, मित्रों से लाभ है, मैरिड कपल हैं इनको संतान प्राप्ति कंसीविंग भी हो सकता है, गुरु पावरफुल प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। केतु आपके पराक्रम भुवन में है जो आपकी साहसिकता बढ़ाने वाले हैं, इसमें भी खास करके हु आर बॉर्न इन पुष्य दे आर इन ग्रैंड सक्सेस जोन। चंद्र दसवें स्थान से निकलकर आपकी राशि के अंदर आने वाले हैं जो आपका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले हैं। पांच नंबर यानी कि सिंह राशि, सिंह राशि के लिए बात करें अग्नि तत्व की फायरिंग इफेक्ट वाली राशि के लिए, तो राहु आपके आठवें स्थान में चल रहे हैं, सूर्य आपके लाभ स्थान में है, केतु धन भाव में है, और राहु और केतु का जो ट्रांजिट है ये सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी के लिए राहु का ट्रांजिट ठीक नहीं है, जबकि केतु का ट्रांजिट जो है पूर्व फाल्गुनी के लिए ठीक नहीं है, तो कुछ ना कुछ इस प्रकार की परिस्थिति फाइनेंस के रिगार्डिंग स्ट्रेस तनाव या पारिवारिक मामलों को लेकर स्ट्रेस तनाव आप महसूस करेंगे। कन्या राशि के लिए अच्छा चंद्र मोशन देखें तो आपके भाग्य स्थान से निकलकर चंद्र बारहवें स्थान में जाने वाले हैं, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, ये आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले हैं, आपको इस सप्ताह के अंदर अच्छा बिजनेस भी मिल सकता है, मित्रों से भी लाभ मिल सकता है और वीकेंड के अंदर खर्चा भी आपका ज़्यादा रहेगा, लेकिन बुध बारहवें स्थान में चल रहा है कर्क राशि में राशि से, तो जिसके इम्पेक्ट में क्या है कि आप सबको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, शुड नॉट टेक एनी इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ इंस्टेंटली और एफेजर्डली, अन्यथा आने वाले समय में आपको उसका नुकसान भरपाई करना पड़ सकता है। कन्या राशि के लिए बात करें तो केतु आपकी राशि के अंदर है, राहु सप्तम स्थान में है और राहु रेवती नक्षत्र में है, नेक्स्ट 7 जुलाई को लेवल जय नेक्स्ट प्रेडिक्शन देखेंगे 7 से 8 से 15 जुलाई का आप प्रेडिक्शन देखेंगे नेक्स्ट वीक में, उसमें राहु उत्तर भाद्रपद में ट्रांजिट करने वाले हैं, अभी भी राहु रेवती नक्षत्र में है, तो रेवती इज सक्सेस जोन फ्रॉम हस्त, हस्त वाले जातकों के लिए जो राहु साधक नक्षत्र में चल रहे हैं
तो ग्रैंड सक्सेस है पब्लिक लाइफ के अंदर, कम्युनिकेशन में। सूर्य दसवें स्थान में ऑलरेडी राजयोग कारक चल रहे हैं। आद्रा का ट्रांजिट पर्टिकुलरली यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद फादर, जॉब में अपर लेवल, खास करके हु आर बॉर्न इन हस्त नक्षत्र, क्योंकि हस्त वाले जातकों के लिए जो 5 जुलाई तक सूर्य है ये विपत नक्षत्र में है। तो विपत तारा इज ऑलवेज गिविंग स्ट्रेस एंड टेंशंस। सो काम होगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेस और तनाव के साथ होगा। तो उसका निवारण क्या करना है कि थोड़ा सा काला तिल, गुड़, रोटी मिक्स करके आपको गाय को खिला देना है। और ये भी करना पॉसिबल ना हो तो आप दिन में 3 बार सूर्य का दर्शन कर लें। और ये भी पॉसिबल, आप ऐसी जगह पर रहते हैं कहीं सूर्य दिखते नहीं हैं, तो कांस्टेंट मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्हेन एवर योर माइंड इज फ्री, डाइवर्ट योर ओन योर माइंड ऑन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि सूर्य को नारायण बोलते हैं। नारायण इति विष्णु, विष्णु भगवान का स्वरूप है सूर्य, साक्षात हमारे सामने रोज आते हैं। तो सूर्य ग्रह की शांति के लिए हस्त नक्षत्र वाले जातक कांस्टेंट मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सूर्य ग्रह की शांति और निवारण के लिए। चंद्र मोशन आपके 8वें स्थान से निकलकर लाभ स्थान में जाने वाले हैं। कांस्टेंटली अपर साइड जाने वाले चंद्र आपके भी काम के क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने वाले बनेंगे। 7 नंबर यानी कि लिब्रा, तुला राशि वाले जातकों का क्या फल है? सूर्य भाग्य में है जो भाग्य को चमकाने वाले हैं। एक सॉन्ग भी याद आ रहा है, झिलमिल सितारों का सावन होगा, झिलमिल सितारों का सावन होगा, रिम रिम सितारों का आंगन होगा। ऐसा आपका अभी भाग्य चमकने वाला है। तो रिम झिम सितारों का सावन होगा, ऐसा कुछ है, अभी बराबर याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बढ़िया है, ये आपके लिए भाग्य चमकने वाला है, भाग्य वृद्धि आपके नज़दीक है तुला राशि के लिए। और केतु 12वें स्थान में है जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ाने वाले हैं। मंगल 7वें स्थान में है, यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ योर पार्टनर। और चंद्र मोशन 7वें स्थान 8वें स्थान, तो मिडल ऑफ द वीक जो है वो थोड़ा सा आप मूड डाउन का सिचुएशन फेस करेंगे, लेकिन लेटर पार्ट जो वीकेंड की ओर के 3 दिन है, लास्ट 3 दिन तो ये थोड़ा सा आप वापस कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। 8 नंबर यानी कि बिच्छू, स्कॉर्पियो, जिससे सब डरते हैं लोग कि कहीं बिच्छू काट ना ले। तो बिच्छू, हालांकि आप सबको मालूम नहीं है कि बिच्छू सामने से नहीं काटता है, बिच्छू का जो जहर होता है वो पूंछ में होता है, जो उसकी पूंछ होती है पीछे, वहाँ पर ये बिच्छू का जहर होता है। तो ऐसे बिच्छू के साइन वाली वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए क्या है साप्ताहिक राशिफल? सूर्य अष्टम स्थान में है, सरकार, गवर्नमेंट, फादर, सूर्य 8वें स्थान में ठीक नहीं है, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। वाणी में भी सेम बरतना है, खास करके कुटुंब के अंदर आंखों का विशेष केयर करना है। एंड पर्टिकुलरली हु आर बॉर्न इन ज्येष्ठा एंड अनुराधा, दोनों के लिए सूर्य शत्रु नक्षत्र में है। तो अनुराधा और ज्येष्ठा के लिए, दोनों के लिए सूर्य का जो ट्रांजिट है
ये विपत नक्षत्र में है। 5 जुलाई की रात को 11:30 बजे तक वाणी व्यवहार और वर्तन में आप सबको बहुत केयरफुल रहना होगा। चंद्र मोशन जो है आपके 6th हाउस से निकलकर भाग्य स्थान में जाने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली डाउन साइड जाने वाले चंद्र आपको भी थोड़ा सा मूड डाउन का सिचुएशन फेस करवाएंगे। केतु हालांकि लाभ स्थान में चल रहे हैं, राहु पंचम स्थान में चल रहे हैं, तो केतु लाभ स्थान में जो चल रहे हैं ये पर्टिकुलरली हु आर बॉर्न इन अनुराधा नक्षत्र वाले जातक हैं, ग्रैंड सक्सेस जोन के अंदर हैं। और बुध का ट्रांजिट भाग्य स्थान में है, ये आपको लॉन्ग या स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग से लाभ करने वाले हैं। 9 नंबर यानी के धनु राशि सजिटेरियस, जिसको एक सिंबल दिया गया है धनुष और बाण का, तो टारगेटेड मिशन इज फिनिश बाय सजिटेरियस। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि टारगेट को आपको कैसे फिनिश करना है ये आपको भली भांति मालूम है और आप उसको अचीव करते हैं। तो अग्नि तत्व की राशि है, फायरिंग इफेक्ट वाली राशि है, तो आप सबको सूर्य सप्तम स्थान में चल रहे हैं। अब 7वें स्थान में जो मेन एनर्जी है तो उसके कारण क्या होगा कि माइंड का तो आप प्रेशर बढ़ेगा, टेंपर बढ़ेगा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा क्या होगा कि थोड़ा सा लव लाइफ के अंदर पार्टनर के साथ, मैरिड लाइफ में और लव रिलेशनशिप में, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको भारी तनाव आ सकता है। मंगल आपके 5वें स्थान में चल रहे हैं, जिसके चलते हुए आपको संतानों के साथ भी रिलेशनशिप में केयर करना होगा। और सहसट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए समय ठीक नहीं है। बुध आपके 8वें स्थान में है, 8वें स्थान में बुध होते हैं तो ऐसा कहते हैं बुद्धि उल्टे मार्ग पर चलती है। अब हमको तो ये पता है नहीं कि बुद्धि सीधी चल रही है कि उल्टी चल रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो जल्दबाजी में नहीं लेना है। 10 नंबर यानी कि कैप्रिकॉन, मकर राशि बिजनेस टाइकोन बोलते हैं जिसको, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और भले बड़ा भी ना हो, चाहे छोटा सा लारी गल्ला वाला क्यों ना हो, उसको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि उसको बिजनेस कैसे करना है, तो बिजनेस कर लेते हैं ऐसे जातक मकर राशि वाले, क्योंकि इसका कर्म क्षेत्र का नंबर ही 10 है तो बहुत अच्छी बात है। सूर्य आपके 6th हाउस में चल रहे हैं जो कि शत्रुओं के ऊपर आपको विजय देने वाले हैं, लेकिन फिर भी हु आर बॉर्न इन श्रवणा ये जातक थोड़ा सा अनकम्फर्ट जोन के अंदर हैं, क्योंकि 6th हाउस में सूर्य आद्रा नक्षत्र में होने के कारण साथ में काम करने वाले सहकर्मचारी गण आपके लिए कुछ स्ट्रेस या तनाव क्रिएट कर सकते हैं। चंद्र मोशन 4th स्थान से निकलकर 7th स्थान में जाने वाले हैं, इसके कारण आप वैसे भी हम अमावस्या की ओर जा रहे हैं और अमावस्या जो है ये मकर राशि की घात तिथि है, जिसके चलते हुए आप मूड डाउन का सिचुएशन फेस करेंगे। 11 नंबर यानी के कुंभ राशि, 11 नंबर यानी के कुंभ राशि जो जिसको कुंभ माने घड़ा, कुंभ माने मटका, जो जिसमें हम पानी रखते हैं, तो ये एक अच्छा सिंबल है कि पानी तो वैसे बह जाता है, पानी को भर के रखना ज़रूरी है, क्योंकि पानी हमारा जीवन है। पानी बिना कोई भी पशु पक्षी जो भी है, हम मनुष्य भी है, इवन दो पेड़ पौधे हैं, सबको पानी का रिक्वायरमेंट है, तो पानी बहुत
ऐसी चीज़ है कि उसको भर के रखना पड़ता है, और वो हम भरते किस में हैं, वो हम उसमें भरते हैं मटके में, भरते हैं पानी को। तो पानी को भरने वाला ये बहुत पवित्र चीज़ है मटका, घड़ा बोलते हैं, तो इन संस्कृत में इसको कुंभ बोलते हैं। और कुंभ का बहुत विशेष महत्व भी है। कुंभ का स्थापन करते हैं, नए घर में जाते हैं कुंभ स्थापन करते हैं, कहीं भी नई जगह पे हम शॉप लेते हैं कुंभ स्थापन बोलते हैं। कुंभ विवाह भी होता है, और कुंभ बहुत पवित्र हैं। और कुंभ राशि के लिए सूर्य पंचम स्थान में आद्र नक्षत्र में चल रहे हैं, आपके घात नक्षत्र में चल रहे हैं। संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है, यू कैन से डिसअपॉइंटिंग इन लव मैटर, थोड़ा सा ऐसा भी आप महसूस करेंगे, क्योंकि घात नक्षत्र में चलने वाले सूर्य, जिसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली काला तिल गुड़ रोटी मिक्स करके गाय को खिलाना है। पॉसिबल नहीं है तो दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें, ये भी पॉसिबल नहीं है तो कांस्टेंट मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्हेनेवर योर माइंड इज फ्री डाइवर्ट योर माइंड ऑन मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूर्य ग्रह का मैक्सिमम ध्यान करें। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए समय ठीक नहीं है, और अंटिल सूर्य चेंजिंग 16 जुलाई तक शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करना एडवाइजेबल नहीं है कुंभ राशि के लिए। तो पराक्रम भवन में से चंद्र निकलकर 6th हाउस में जाने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली डाउन साइड जाने वाले चंद्र आपको भी मूड डाउन का सिचुएशन फेस करवाएंगे। राहु रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं, जो कि जिनका भी जन्म हुआ है कुंभ राशि में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ये जातक कान खोल के सुन ले कि राहु आपके विपद नक्षत्र में है, परिवार के स्थान में है, वाणी में कुछ भी गड़बड़ किया बोलने में तो घर में भारी बवाल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक तो आपका विपद नक्षत्र है और एक तो राहु आपका शत्रु योनि के अंदर भी है, क्योंकि पूर्व भाद्रपद की योनि से ही योनि है इसकी, राहु की रेवती की गज योनि है, गज बोले तो हाथी, और ये दोनों कट्टर शत्रु हैं, और ऊपर से आपका विपद नक्षत्र है, तो वेरी अनकंफर्टेबल जोन फॉर कुंभ पूर्व भाद्रपद पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर। और अग्नि तत्व में प्रथम चरण में जा रहे हैं, तो 7 जुलाई को नेक्स्ट 7 जुलाई को ये चेंज करने वाले हैं, तब तक ये वीक के अंदर आपको वाणी व्यवहार और वर्तन में आपको बहुत केयरफुल रहना है। धनिष्ठा वाले को भी केयर करना है, क्योंकि धनिष्ठा वाले के लिए राहु प्रत्यरि नक्षत्र में है, प्रत्यरि माने ऑपोजिशन, तो कहाँ से होगा, आपके परिवार के परिवार से होगा, तो दोनों से ही, और दोनों से ही को कुंभ बलवान राशि इसलिए है कि जो नक्षत्र इसके अंदर पड़े हैं धनिष्ठा सतविषा और पूर्व भाद्रपद, इसमें से सतविषा है वो एक्टिव नहीं ओवर एक्टिव है, और जबकि ये दो है लायन है, जब शिकार जरूरत पड़ती है तभी शिकार करने निकलते हैं, तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण क्या होते हैं कि ओवर ज़्यादा चंचलता होती है, वो लोग भी सक्सेस नहीं होते हैं, जो बहुत आराम प्रिय होते हैं वो भी सक्सेस नहीं होते हैं। तो कई बार मैंने प्रेडिक्शन में बोला है कि कुंभ राशि वाले जातक बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड है ये बहुत आराम प्रिय हैं, या तो बहुत एंटरटेनमेंट में चले जाते हैं। सद्विषा वाले जातक हैं जिनको बहुत एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि शुक्र उनके लिए साधक हैं, तो या तो फिर ये फिल्म देखने ज़्यादा करेंगे, या कुछ भी प्रकार के अपने को जो लाइक है उसके एंटरटेनमेंट उसका माइंड ज़्यादा रहेगा, तो बेशक काम के क्षेत्र में ये थोड़ा पीछे चले जाते हैं। चंद्र मोशन जो है आपके पराक्रम स्थान से निकलकर 6th हाउस में जाने वाले हैं। कॉन्स्टेंटली डाउन साइड जाने वाले चंद्र थोड़ा सा मूड डाउन का सिचुएशन जरूर फेस करवाएंगे कुंभ राशि को। 12 नंबर की राशि मीन राशि वाले जातकों के लिए राहु आपकी राशि के अंदर चल रहे हैं, बहुत तीव्रता से इसका फल मिलने वाला है। उत्तर भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है
इसको कुछ जबरदस्त बेनिफिट मिलने की संभावना है 7 जुलाई तक, क्योंकि संपत नक्षत्र में है। रेवती वाले जातकों के लिए मानसिक यातना, परेशानी, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ सकता है। और पूर्व भाद्रपद के लिए विपद तो है ही है, आपको बताया। पूर्व भाद्रपद का जो चौथा चरण है वो मीन राशि के अंदर है। तो सूर्य ट्रांजिट भी सुख स्थान के अंदर है, चौथे स्थान के अंदर है, तो कहीं ना कहीं मकान में कुछ खर्च आ सकता है, वाहन में कुछ खर्च आ सकता है, रिलेशन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, तो ये सब सेक्टर में केयर करना होगा। क्योंकि जल तत्व की तीनों तीन राशि के लिए, कर्क राशि के लिए सूर्य 12वें स्थान में है, वृश्चिक के लिए 8वें स्थान में है और मीन के लिए 4थे स्थान में है, तो सूर्य का ट्रांजिट जल तत्व वाले जातकों के लिए ठीक फल देने वाला नहीं। और एक प्रेडिक्शन आप ऐसे भी चेक करिए, यदि आप कुछ समझते हैं राशि प्रेडिक्शन, नक्षत्र प्रेडिक्शन, तो जितने भी आपके ग्रह जो हैं जल तत्व में ज़्यादा होंगे, इतना ही सूर्य जल तत्व की राशि में जितने ग्रह ज़्यादा हो गए इतना ही सूर्य आपके लिए खराब है। तो ये प्रेडिक्शन में आप जैसे बताएं कि सूर्य उपासना के लिए एक रोटी के अंदर काला तिल और गुड़ मिक्स करके आप अवश्य कम से कम 3000 का रोज ना कर सके तो संडे को खास करें, कम से कम 10 गाय को खिलाने का ये कोशिश करें। तो और दिन में 3 बार सूर्य दर्शन करें और ये प्रयोग पॉसिबल ना हो, ट्राई पूरे पूरी करें, पूरी कोशिश करें करने की। गाय सूर्य का वाहन है, इजी अवेलेबल है, और ये पॉसिबल नहीं है आप कोई ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ गाय भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कांस्टेंट मंत्र करें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है, क्योंकि ऐसा नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन, नक्षत्र समझाने वाला इतना इजी वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।